सुविधा नाम की तो शब्द तो कोई नहीं सर। ये गांव है जो 50 साल बेक चल रहा है। एमपी एमएलए विधायक प्रधान साहब सोए हुए है। एक बड़े माहौल तो कहीं बताओ था ना, बताओ तो शर्म आवे। अरे छोलदार आवे नहीं है, त्रिपाल है, ऐसी चांदनिया लगा रखी है। कभी बच्चा गर्मी हो तो बच्चे पड्डा ही रहने में तो थाने कह दिया ऊंट मुंह में जीरो है। हमारे लिए तो आज समझ लो कि 1947 से आज ही बाकी पड़ी है। और मैं तो भगवान इंद्र भगवान ने प्रार्थना करा कि राम जी परसिया नाम में निकल आना कट कर। बीजेपी कांग्रेस तो सपा सुपड़ो साफ करना चाहता आउन दा हीच कोनी नी। राम राम, नमस्कार, मैं महादेव और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। आज यहाँ पर आया हाँ बीकानेर जिले रे कोडम देसर गाँव रो में जठे बेरुजी को मंदिर है और ये एक पर्यटक स्थल है। आज यहाँ पर गांव में आया हाँ अठे लोग जानने की कोशिश कराना कि अठे कितो विकास हुयो है कितो कुछ है और पर्यटक स्थल देखते हुए अठे अठेरी के सुविधा है और के सुविधा नहीं है और आने के शिकायत है अठाऊँ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आप अंकल जी? मेरा नाम रामेश्वर है। तो रामेश्वर लाल जी, यहाँ बताओ अठे दूर दूर सुनया के लोग मंदिर में आवे है भैरू जी का दर्शन करने वास्ते, तो अठे के कुछ सुविधा और के सुविधा है जी की बताओ। यहाँ में जितना दुनिया में असुविधा होता है वो यहाँ में है। कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। ये गांव है जो 50 साल बेक चल रहा है। यहाँ में सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाइट का ले लो, गांव में गली का विकास पर ले लो, कोई कुछ नहीं है। एकदम बराबर है, जीरो के लेवल पर है। नहीं सुनने में अटे बहुत ज्यादा भीड़ है, मेलो लागे है, तो मेले रहे साबू भी अटे एक पर्यटक स्थल है तो बढ़िया तरीके में साफ सफाई रहो और रो माहौल की है। अटे साफ सफाई नाम की चीज ही नहीं है सर, पूरा गंदगी का ये ढेर अंबार लगा हुआ है। आप देखेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। किसी तरह की सुविधा वाला तो शब्द हटा दीजिए सर यहाँ से ही। ये गाँव में मतलब ग्राम पंचायत कौन सी लगा? ग्राम पंचायत सर गजनेर लगती है। सरपंच और कदी हटाओ कौन दौरों करने वास्ते? सरपंच साहब कभी कभी आते हैं, देखते हैं सरपंच साहब को, ऐसा बात नहीं है, परंतु ध्यान कोई नहीं देता है। यहाँ में प्रशासन भी सोया हुआ है, एमपी एमएलए विधायक प्रधान साहब सोए हुए हैं, एकदम गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं सर। आते हैं देखते हैं, वो अंधे तो नहीं है, उसके आँख है सर, परंतु दिखाई किसी को नहीं देता है। मतलब गाँव में कोई भी तरह ऐसी कोई सुविधा है जी की थाने पूरी मिली हुई है? आज तक तो सर मिली नहीं है, आगे का बोलने नहीं सकता। क्या नाम अंकल जी? लालू राम। लालू राम जी। लालू राम जी, गांव में पढ़ाई रो और रो माहौल क्या है? पढ़ाई रो माहौल तो कहीं बताओ था ना, बताओ तो शर्म आवे। यहाँ माहौल है एक तो स्कूल आज की है, पांचवीं ही पहला कोई दानदाता ने बनवाई। अब सागी स्कूल के मायने एक कमरों दो कमरा बनवा दिया, एक ऑफिस बन गयो, एक रसोई बन गई, ठीक है। बाकी दानदाता का जैसा है वैसा ही पड़ा है। फिर पांचवीं आठवीं कर दी, आठवीं कर दी। अब ईर मायने 170 या 160 बच्चा है, तो बच्चा एक दूसरे बगल में रहे, कोई बरंडे में बैठा है, कोई आगे बाप बाखड़ हो नहीं। अपना जहाँ घर ही मान ला अपा भाई, बाउंड्री पर कच्ची जगह है, वीर मायने बैठे। अबे कोई अरे छोलदार आवे नहीं है, त्रिपाल है कहीं बोले जाने, ऐसी चांदनियाँ लगा रखी है। कभी बच्चा गर्मी हो तो बच्चे, अब आ तो चलो गर्मी बच जाए, आगे सर्दियों की बच्चे वीर ऊपर आए थे। अब स्कूल बड़ी हुए, एक अठू 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूरी में गाँव है जयमल सर। अब मैं टेम्पू करा तो एक बच्चेरा 1000 रुपया देवे, ठीक है। अब गरीब आदमी 1000 रुपया वो कठू भी बच्चेरा देवे, अरे नहीं पटावे तो फिर आठवीं रखो, अरे दसवीं करावनी है, बारहवीं करावनी, तब 4 साल तक जावा, 4 साल को रुपया कितना हुआ? मतलब बारहवीं तक गाँव में एक साल का 12000 रुपया, 4 साल का कितना हुआ? 50000 खाने पहुँच गया। तो अब इतना रुपया गरीब खाने है न कोई वो पढ़ा सके। अब सपना तो मैं डॉक्टरों का मैं एकदम मजिस्ट्रेट देख सका, पर माम तो वो होना मुश्किल है। क्या कह रुपया 1000 को नहीं मैंने का, और पचे की गाड़ी वाले ने कहा वो भी क्या इतना बजे तक आवे तो बच्चों हाले ला, नहीं जान टेम हो गया 10 बच्चा खोटी, एक बच्चा है तो बिना डिकट जो बनाया तो वह भी माँ स्वीकार कर लेगा। चलो कहीं कौन है मैंने का भाई 30 दिन हुआ तो मारो 20 दिन जाए तो मैं तो 1000 रुपया देवाड़ा, पर अब करा कहीं के भाई रुपये तो कौन खाने नहीं। बारहवीं तक जब बच्चा थारा पढ़ने जावे तो कट जाना पड़े जयमल सर गाँव जावे, चाहे या नाल जावे या गजनेर जावे या बीकानेर जावे, हमारे गाँव का कम 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 अटो 20 किलोमीटर दौड़ो दूर भाई। 20 किलोमीटर तो 11 किलोमीटर गजनेर एकदम पूरो और 8 के 9 किलोमीटर जयमल सर है, 12 13 किलोमीटर नाल है। पचे वे कटी जावे, कोई नाना ने जा रहे, कोई दादा ने जा रहे, कोई मासी खाने रहे, कोई बुआ खाने रहे। कुल मिलाकर गाँव में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पड्डा ही रहने में तो थाने कह दिया ऊँट मुँह में जीरो है। क्या नाम साहब आपरो? मेरा नाम गोपी किशन। एक ग्रामीण जगह बता रहा है स्कूल की के प्रॉब्लम है। स्कूल प्रॉब्लम है भाई जी के व्यवस्था नाम कोई चीज है को नहीं। मैंने एकदम रोड मत है स्कूल, टाबर बच्चा पूरा माओ को नहीं। अब आधी छुट्टी हो गया खेलने तो रोड मत खेले बच्चा,
कहीं कोई गाड़ी अलावे मोटरसाइकिल लगा देवे दो तीन रात एक्सीडेंट होते तो बच्चे है बच्चा कितना है 200-250 बच्चा है अरे कोई कमरा है कोई 3-4 कमरा है बीतम कहीं उसी स्टाफ टीचर और पूरा है टीचर और तो मतलब एक दो कम ही होते रहे हर बार में एक वो छुट्टी हुई कहीं वो कम हो गई यहाँ कर कम ही आवे पूरा कोई व्यवस्था को नहीं साफ सफाई और स्कूल में साफ सफाई और तो हुआ है टाबर और करा हुआ पेड़ और तो लगाया है मैंने यहाँ कहीं जगह को नहीं मैं जगह छोटी रहेगी अब लारा यार जगह ही मान भी में कहीं पर स्कूल दी जमीन दी स्कूल दी बा कहीं लोग कब्जे कर ली भी में कोई सुनवाई कोनी सब आ रही कोई मंत्री जी आवे बिया ने कह तो भाई कोई कहाँ देखा देखा यहाँ कर जाप रही कोई दूसरा आवे बिया ने कह तो देख देखा यहाँ कर जाप रही मतलब कोई सुनवाई हो ही कौन अब थाने क्या लाग रहे मतलब आज सरकार बढ़िया या दूसरी सरकार होनी चाहिए हनुमान जी कह रही है भाई अर्जी तर सगा गरीब आदमी सगा हर चीज मैंने फोन कर दो मैं हाजिर हूँ हर चीज में कह रही है देखो अभी मतलब 35 साल देव सिंह जी राजगिरी ओट है बीर बाद भंवर सिंह जी आ गया तो ये दोनों में थाने लागे कौन सो बढ़िया हो दोनों भाई जब देखो हमारी उम्र तो इतनी ठीक है पहला कहता के 35 साल देव सिंह जी कर गया तो वह ठीक है कर गया देख तो कोई अटावे अठी रहे पर गांव और तरफ कोई कौन देखे अठार मंदिर है थानिया लाग रही हो कि पूरी सुविधा है गाड़िया और क्योंकि लाखों लोग अटाया करे तो नाम तो भाई जी की कौन सुविधा तो चारा खन देख लो गंदगी गंदगी पड़ी है लोग देख जावे मंदिर राजस्थान बीकानेर जिले में बढ़िया बड़ो मंदिर है बिरजीरो हर संडे मेड़ो लागे कटे भी कौन लगे इतनी भीड़ हर संडे मेड़ो लागे तो आठ वे नाम कोई चीज कौन चारा खन दोनों खन नेर लागे नेर मत दो दारू पी है बड़ी काच में बोतल मतलब नेर में नाक देवे हर संडे एक दो लड़े तो बड़ो होते ही रहे क्यों दारू पी दारू एकदम खुल्लो है मतलब थाने यहाँ नहीं लाग रही मतलब पर्यटक स्थल है ये साहब अगर लड़ाई दंगों भी कदे कदे उन तो रहे तो ये माहौल में आठ है एक या दो पुलिस कर्मी भी तैनात रहे होना चाहिए 24 घंटा होना चाहिए दो तीन बार के भी दियो दो संडे बेची दो पुलिस वाला ने फिर 30 संडे कोई को नहीं आवे भाई ठीक है दो संडे रहसी दो संडे कोई पुलिस वाले बैठे कम हुए एक कारण हुआ कोई लेवे थे लड़ाई झगड़ो कम हुए दो संडे रहसी भी 30 संडे कोई को नहीं आती संडे बता प्रशासन कोई तरह की सुनाई कोई सुनवाई को नहीं हुए कहीं मारे नाल भेजे कहीं गदनेर भेजे गाँव री गलिया में और गलियां तो देख लो बोली गलियां तो गोडो गोडो कादो पड़ियो है फुल कादो चारों गलियां देख लो चारों गली एकदम कादम भरी जुड़ी पड़ी है भाई साहब पैदल कहीं गाड़ी ले जाए गाड़ी कड़ी जावे बिना ट्रैक्टर में कड़ो नहीं पड़े पाची एडो सिस्टम है गांव में आ है ये गांव री स्कूल देखो सा यहाँ है कि अब आज 77 साल हो गया आजाद हुआ ने हम कोई पढ़ी लिखी है नहीं सुनोड़ी बात कह रही हूँ कभी 77 साल हो गया पर 77 साल में पहला तो चलो नहीं तो पढ़ते नहीं लिखते कुछ जानते कौन खेती का काम करते भेड़ बकरी चराते सब कटी भी काम करो अब बच्चा है तो भैया नहीं सारा पढ़े तो भेज देगा हमारा भी पढ़े अब बच्चा नहीं कोई सुविधा को नहीं गाँव री कोई सुविधा को नहीं और कोई अटे यात्रियों की कोई सुविधा को नहीं यात्री अब फिर मैंने लड़ रहा है एक दूसरे कीरे माथा फोड़ रहा है कोई पुलिस की व्यवस्था को नहीं तो इराज अब मैं सरकार निर्भर आ तो अब सरकार की करे नहीं तो आने वाले जो चुनाव चाहे विधानसभा रहा है चाहे लोकसभा रहा है चाहे ग्राम पंचायत को है चाहे पंचायत समिति को है पोलिंग आवे है हमारे कोई ऐतराजी नहीं है वो अपनी ड्यूटी करके जावे और हम हमारा धर्म निभाएंगे मतलब थारो कहना मैं वोट ना ही हाँ वोट कौन देवा वोट क्या अनकाने देवा मैं तो पहले ही रबारी भी हमारे लिए तो आज समझ लो कि 1947 से आज ही बाकी बढ़िया है मतलब कोई ईसो लीडर है जी को थारी नजर में कहीं विकास कर सके माने तो कोई लीडर कोई दी सको नहीं मैं तो वही काम है कि मारो काम करो पहला स्कूल को फिर आज साफ सफाई है यात्रियां की है फिर कोई मारी तलाव की पहाड़ है बिने भी तोड़ दे कभी कोई पेड़ पौधा भी काट दे तो बिने भी मैं कह सका को नहीं कभी कोई पानी के माने मछलियाँ कपड़ ले जावे सीधा ट्रक भर भर कहवा देने के साथ ठेको है सरकार हो अब माने ध्यान को नहीं किसी सरकार दियो ठेको सरकार तो थाने कोई तरह उम्मीद को नहीं सरकार तो इतनी है कि आज की खास सुरक्षा कणक मिले बात तो टाइम मिले वहाँ मिले सब वीर मैंने कोई दिखित को नहीं एक पीने और पानी आवे यह दो चीज़ है बाकी और नहीं तो कोई रोजगार है और ना कोई शिक्षा है और ना कोई व्यवस्था है ना कोई आज दूसरे गाँव में जावा नहीं समझो बरसात होने 10 मिनट बाद माने पानी साफ जान को बरसात हुई को नहीं और मैं तो भगवान इंद्र भगवान ने प्रार्थना करा कि राम जी बरसिया नाम में निकलना ना कट कर क्या घर राडो पानी आ जा मैं रोड़ी जा मारी देख बाढ़ ये अब एक बार मैंने बरसात हुई नहीं हो गया तो अब मैं थोड़ी सी कहीं सुकट आया उधर अब कहीं सो रहा गड़िया फिर जड़ हो गया वो तो देख रहा था गलियां रो देखो खाड़ा पड़े और भी लंबी पड़ी है गांव एक ही गली थोड़ी है दूसरी गली में थाने खुद थाने के दिक्कत हो जासी मां देखी है हमारे राम माया भंवर सिंह जीरा 9 साल बियां देख लिया हाँ शुरुआत में थोड़ा ठीक आ पहले चुनाव रे मैया फिर अभी तक तो बिया रहे मतलब यहाँ मान लो के जेबा भरी है खुदरी विकास खुदरो करियो है गाँव रो किरो ही नहीं करियो और गाँव री गलियां है हमारे
बे तो मतलब चालन री स्थिति में है ही को नहीं। बारिश आ जावे जन गोडा गोडा पानी पड़ियो रहे घरारी बाड़ा माखर घरे माया टोपिया भांडा बे तिरबो करे रसोई बार कमरे में बखड़ में आ जावे आ कंडीशन है। अब मैं तो आई बात है मैं तो बहिष्कार करना चाहवा ना तो मैं आठे बीजेपी कांग्रेस तो सपा सुपड़ो साफ करना चाहवा आठ आउंदा हिच को नहीं। तीसरी पार्टी तीसरी मोर्चो है पकड़ने की कोशिश करा हाँ बिल्कुल मैं बार तैयार हाँ। लेकिन मोर्चे पर कौन है तीसरे मोर्चे पर अपन आरएलपी रे हनुमान जी बेनीवाल है जो सुप्रीमो है आरएलपी रा नागौर सांसद बियाने खानी अपनी थोड़ी ताल ठोकर लेकर चार यहाँ और पूरी उम्मीद है अब की बार बिया नहीं दे हाँ। तो बारी तरफ कोई उम्मीदवार घोषित करूड़ है बिहार तरफ अपने अक्का पूर्व सरपंच है प्रभुदयाल जी गोदारा बया बार मतलब बिहार तरफ चुनाव कर लड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारी सीट कंफर्म होगी जना थे वोट किन देशो मारी तो तरफ हूँ साहब सीट कंफर्म होगी तो मारो पहलो वोट तो बिया नहीं है। मैं ताल थोकर कहा अठे मशीना कम पड़ जासी साहब मशीना रा बटन है आर एल पी वाला दब दब गरम हूँ मशीना भी आने दो तीन एक्स्ट्रा ही लिया अठे रा वोट मार तो फिक्स है आर एल पी ने जावेला। अब थाने का ही लाग रही आर एल पी आए जन की विकास करते सी अड़े बिल्कुल साहब बिल्कुल करी जको बंदो मतलब फोन रे सागे आ सके नहीं वो विकास भी कर सके अठे विकास री बात यहाँ ले लो के कोई ज्यादा डेढ़ महीनो हुई है वो मतलब चेहरों निकलिया नहीं भी आर एल पी तरफ डेढ़ महीने में वो बंदो और छह बार आई कोडम देशन देखने खातर अरे बे बंदा जब आज तक नौ साल गया नौ साल में छह बार को आया नहीं अरे नौ साल में एक बार साल में कोई हाँ दो चार बार मिंदर माथ आया है वो तो चुनाव पहला सब ने आना पड़े जावे कि नहीं आप प्रतिक्रिया देख लो गांव रा युवा आज का और बुजुर्ग भी यहाँ पर राय सुन चुके हैं